दोस्तों आप लोगों को ललाबाइस के बारे में तो पता ही होगा, वो लोरिया जो बच्चों को सुलाने के लिए गाई जाती है। ऐसी एक लोरी का नाम है ओ नीना बोबो और ये लोरी इंडोनेशिया की है, पर ओ नीना बोबो की ये लोरी डिमोनिक है। पर कैसे, ये हम आज देखेंगे इंडोनेशियन हॉरर मूवी में जिसका नाम है ओ नीना बोबो। IMDb ने इसे 5.4 out of 10 की रेटिंग दी है और मूवी में हम लोग करीना नाम की एक लड़की की कहानी देखेंगे जिसे अपनी रिसर्च करते वक्त इस खतरनाक लोरी का सच पता चलेगा। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं ओ नीना बोबो मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है ओ नीना बोबो ललाबाई के साथ, जिसे एक माँ अपनी बेटी लाला के लिए गा रही थी। लोरी गाते हुए दूसरी तरफ रायन नाम का उसका बेटा जग जाता है और उसे अपने बिस्तर के पास दिखाई देता है एक डीमन। रायन किसी वजह से अपनी सांस रोककर अपनी माँ के पास जाता है और फिर रायन की माँ उसे उसके कमरे में वापस ले जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं था। रायन को सुला के रायन के मम्मी पापा भी सो रहे थे कि तभी उनकी चादर कोई खींच लेता है। वही रायन कमरे में जाग गया था और उसे बाहर से आवाजें आ रही थी। वो जाकर चेक करता है और रायन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो डिमोनिक शक्ति उसके मम्मी पापा पे हमला कर चुकी थी। इस खौफनाक रात के एंड में वो डीमन रायन की माँ को लटका के मार डालता है और रायन के पापा को सीढ़ियों से गिराकर गर्दन तोड़कर उसे मार डालता है। इतना ही नहीं, रायन की बहन लाला भी मारी जाती है और सीन जाता है 5 साल आगे, जहाँ पे रायन एक डॉक्टर की निगरानी में रह रहा था। रायन अपने पास को लेके अभी भी ट्रॉमेटाइज था, पर आज रायन से मिलने आती है करीना। करीना असल में अपनी PhD कर रही थी और आज करीना अपनी PhD की थीसिस का आइडिया अपने टीचर्स को बताती है। करीना की थीसिस थी PTSD के बारे में, यानी कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, और करीना PTSD को ठीक करना चाहती थी। करीना टीचर से बोलती है कि वो रायन को उसके पुराने घर में ले जाके उसे 1 महीने के अंदर ठीक कर देगी। अब करीना का ये थीसिस टीचर को अच्छा लगता है और वो लोग उसे अप्रूवल दे देते हैं, पर उसे 1 महीने की जगह सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम मिलता है। करीना अब खुश होके रायन को ले जाती है उसके पुराने घर, और करीना का साथ दे रहा था उसका दोस्त पैम्स, जिसका मूवी में ज्यादा रोल नहीं है पर उसे बस फनी सीन्स के लिए मूवी में डाला गया है। खैर, रायन के पुराने घर पहुंचने के बाद रायन ऑलरेडी डर रहा था और वो ऊपर वाले फ्लोर पे नहीं जा रहा था। ऊपर के फ्लोर के बदले रायन नीचे वाले कमरे में ही जाकर छुप जाता है, पर थोड़ी देर बाद करीना जो अपनी फाइल्स चेक कर रही थी तो ऊपर से नीचे गिरकर आता है एक कागज का प्लेन, जिसपे करीना ज्यादा ध्यान नहीं देती। हमें ये भी पता चलता है कि करीना रायन को हिप्नोटाइज करके उसके मन से उसका डर निकालने की तैयारी में है, पर वो नहीं जानती थी कि ये तरीका कितना ज्यादा फुल प्रूफ होगा। रायन अब आगे नीचे वाले फ्लोर के कमरे में ही सेटल डाउन हो जाता है और वो करीना की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था। सब कुछ सेट होने के बाद बैम्स वहां से चले जाता है, जिसके बाद करीना स्टार्ट करती है अपना थेरेपी सेशन। वो रायन से कुछ सवाल पूछती है पर रायन उसका जवाब नहीं देता, जिससे करीना के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। खैर, वो रात को अपना एक्सपीरियंस वीडियो में रिकॉर्ड करती है, जिसके बाद वो बैठ जाती है TV देखने। थोड़ी देर बाद फिर करीना सोने के लिए भी चली जाती है, पर बाहर से आता है शोर। वो जाकर चेक करती है और शोर ऊपर के फ्लोर से आ रहा था, पर ऑब्वियसली ऊपर उसे कुछ भी नहीं दिखता सिवाय एक स्किपिंग रोप के, जो करीना के जाते ही अंधेरे में खींच ली जाती है। अब अगले दिन सुबह सुबह प्रोफेसर का फोन आता है, जो करीना से रायन के बारे में ही ऑब्वियसली पूछता है। फिलहाल के लिए करीना प्रोफेसर को सब कुछ सच सच बताती है, पर ज्यादा दिनों तक ये कहानी नहीं चलेगी। खैर, दोपहर में आज करीना पहली बार करती है रायन को हिप्नोटाइज और रायन सो जाता है। रायन के सोने के बाद करीना उससे सवाल पूछती है, पर सवालों के जवाब देने के बदले रायन अचानक ही डिमोनिक तरीके से हिलने लगता है, जैसे कि उसे कोई दौरा उठ रहा हो। डर के मारे करीना उसे हिप्नोटिस्ट से बाहर ले आती है और उसे शॉक थेरेपी देने की कोशिश करती है एक लाइट दिखाकर, पर यह तरीका काम नहीं करता। करीना जाके इस बारे में रिपोर्ट लिखती है, पर एक बार फिर से ऊपर के फ्लोर से आता है शोर। वो ऊपर जाकर चेक करती है और उसे कोई भी नहीं मिलता सिवाय एक दरवाजे के, जो बंद था, पर उसी के अंदर से शोर आ रहा था, जो कि अजीब बात है।
अब रात में करीना जब अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बना रही थी, तभी उसे कैमरे में अपने पीछे दिखाई देती है एक डिमोनिक आत्मा जो असलियत में वहां पे नहीं थी। खैर करीना अब रायन को सुलाने जाती है, पर रायन अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। पर जब करीना उसे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। उस रात को सोने के बाद एक बार फिर से करीना को शोर आता है, और इस बार उसे लगता है कि घर में कोई चोर घुस आया है। पर वो पूरा घर छान मारती है, बाहर भी जाकर चेक करती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। सिर्फ इधर उधर परछाइयों से दिखाई देती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे शुरू होता है और ये आवाजों का सिलसिला चलता ही रहता है। करीना को एक कमरे से आवाजें आती है, और जब वो जाकर चेक करती है तो उसे मिलती है एक गुड़िया जो दो पैरों पे खड़ी थी, पर वो अगले ही पल गिर जाती है। आज करीना रायन को अजीब तरीके से घर को घूरते हुए देखती है, और जब थेरेपी के दौरान वो उससे इस बारे में पूछती है तो रायन आज पहली बार बात करता है, और रायन बताता है कि उसने अपनी बहन लाना को देखा। ये बात सुन के करीना को लगता है कि रायन हेलुसिनेट कर रहा है। वो रायन को ऊपर के फ्लोर पे ले जाने की भी कोशिश करती है ताकि लाला के कमरे में जाके रायन अपने पास्ट को फेस कर पाए, पर रायन डर के मारे वहां से भाग जाता है। रात होती है फिर से, और आज करीना एक बार फिर से डिमोनिक आवाजों के चलते ऊपर के फ्लोर पे जाती है। वो फिर से जाती है और उसे फिर से कुछ भी नहीं मिलता, पर करीना के लौटते ही हम लोग अंधेरे में एक डिमोनिक शक्ति को देख पाते हैं। अपनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाते वक्त अब करीना बताती है कि रायन ढंग से सो नहीं पा रहा, और करीना को पूरा टाइम उसमें नजर रखनी पड़ती है। खैर करीना इतना ज्यादा नजर नहीं रख सकती थी, इसलिए अगले दिन वो बैम्स को बुला के रायन के कमरे में कैमरा लगवा देती है। कैमरा लगाते वक्त रायन गायब हो जाता है, क्योंकि वो बाथटब के अंदर जाकर अपनी सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। करीना अब जब रायन को ढूंढ रही थी, तभी उसके पैर पे पानी आ जाता है, और बाथरूम के अंदर जाकर वो चौंक जाती है, और तुरंत बैम्स रायन को पानी से बाहर निकालकर उसे सांस देता है। पर रायन अभी भी नहीं बताता कि वो सांस क्यों रोकने की कोशिश कर रहा था। उस दिन फिर से करीना रायन को ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाती है, पर जब रायन डर रहा था तो करीना रायन को जबरदस्ती ऊपर ले जाती है, पर रायन एंड में सीढ़ियों के पास ही चिपक जाता है, और वो बार बार बोल रहा था कि वो इसी घर में है, वो इसी घर में है, पर करीना को समझ नहीं आता कि कौन इस घर में है। वो अब रायन को शांत करवाने के बाद रायन के पुराने रिकॉर्ड्स को चेक करती है, और पुराने रिकॉर्ड्स में लिखा था कि रायन को ओ नीडा बोबो लोरी से डर लगता है। खैर रायन के बारे में और पता करने के लिए करीना फोन लगाती है हॉस्पिटल में, पर जिस डॉक्टर ने रायन का इलाज किया था वो अवेलेबल नहीं था। अब रात के टाइम रायन को फिर से उठ जाता है दौरा, और रायन की आवाज सुन के करीना को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, और इसलिए रायन को वो नींद का इंजेक्शन देके सुला देती है। खैर दोस्तों उस रात को बैम्स करीना के साथ ही रुका हुआ था। बैम्स टीवी देख रहा था, तभी लाइट्स चले जाती है, और हम लोग बैम्स के पीछे देख पाते हैं रायन की माँ की आत्मा। वहीं दूसरी तरफ लाइट जाने के बाद करीना टॉर्च के साथ इधर उधर घूम रही थी कि जब उसे प्रोफेसर का फोन आता है, और फोन पे बात करते वक्त हम लोग उसके पीछे एक डिमोनिक आत्मा देख पाते हैं, और तभी वो डिमोनिक आत्मा करीना के पास आ जाती है, और यही वाला जंप स्केयर पूरी मूवी में सबसे ज्यादा डरावना था। खैर वो आत्माएं कुछ करती नहीं, और करीना बैम्स के पास पहुंच जाती है। बैम्स अब जाता है मोमबत्तियां जलाने के लिए, और जब वो मोमबत्तियां लेके इधर उधर घूम रहा था तो उसे आती है डिमोनिक आवाजें, और जब वो आवाजों का पीछा कर रहा था तो उसके सामने आ जाती है रायन की माँ की आत्मा, जो उसे चाटा मार देती है, और तभी लाइट्स वापिस आ जाती है। बैम्स डर जाता है, और अब उसे लग रहा था कि ये घर हॉन्टेड है। वहीं दूसरी तरफ करीना सो गई थी, पर उसकी आंख खुल जाती है, क्योंकि उसके पीछे लाला की आत्मा स्किपिंग कर रही थी। पर तभी वहां आ जाता है बैम्स, और वो अब क्योंकि डर चुका था इसलिए वो करीना के पास ही जमीन पे सोता है। अब नेक्स्ट डे जब करीना रायन को हिप्नोटाइज करती है तो रायन को विजन में दिखाई देते हैं अपने मम्मी पापा की डेथ्स। रायन को फिर दौरा उठने लगता है, और बैम्स और करीना को मिलके उसे फिर से शांत करवाना पड़ता है। पर आज जब करीना पे प्रोफेसर का फोन आता है तो करीना प्रोफेसर को झूठ बोल देती है ताकि उसे अपना थीसिस प्रोजेक्ट कैंसिल ना करना पड़े। इतना ही नहीं,
आज बैब्स करीना को बताता है कि शायद ये घर हॉन्टेड है, पर ऑब्वियसली करीना इन सब चीजों पे यकीन नहीं करती। करीना अब परेशान हो रही थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने प्रोफेसर को क्या जवाब देगी, क्योंकि इतने दिन निकल गए थे और रायन की कंडीशन बिल्कुल भी नहीं सुधरी थी। वो सोचती है कि रायन अपनी सांस क्यों रोकता है, पर ये सोचते वक्त करीना नोटिस करती है कि रायन अपनी सांस हद से ज्यादा टाइम तक रोक सकता है और ये बात उसे कंफ्यूज करती है। उसी सेम रात को करीना को हॉलवे में लाला दिखाई देती है और लाला अचानक ही चिल्लाती है, जिससे करीना डर जाती है, पर उसे फिर वो सब कुछ अपनी आंखों का धोखा लग रहा था क्योंकि बैब्स ने उसे उल्टी सीधी बातें बोल दी थी। खैर, उस रात को जब करीना को ऊपर के फ्लोर से आवाजें आती है तो वो आवाजें आ रही थी उसी बंद कमरे के अंदर से। दरवाजे के पीछे करीना को आज परछाइयां दिखाई देती है और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। करीना कमरे के अंदर जाती है और वो कमरा रायन का पुराना कमरा था, जिसके अंदर सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। एक टेबल पे ताश के पत्ते बिखरे हुए थे और जैसे ही करीना ताश का एक पत्ता छूती है, उसे सुनाई देती है एक डीमन की आवाज, जिससे वो डर जाती है। खैर, अब अगले दिन 10 दिन पूरे हो गए थे और करीना की हालत खस्ता हो गई थी क्योंकि रायन ठीक हो ही नहीं रहा था और घर में अजीब चीजें हो रही थी। करीना अब प्रोफेसर का फोन भी उठाना बंद कर देती है और वो रायन पे भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो थकी थकी रह रही थी और आज रायन जब गलती से एक प्लेट को तोड़ देता है तो करीना उस पे गुस्सा भी करती है। करीना फिर तुरंत उसे माफी मांग लेती है, पर तभी करीना को पीछे से आकर पकड़ लेता है रायन का पापा, जिसके बाद करीना बेहोश हो जाती है। करीना को सीधा रात में होश आता है और वो बेचारी इतनी ज्यादा थक गई थी कि वो फिर से जाके सो जाती है और उसके पीछे रायन की माँ की डिमोनिक लाश बिल्कुल बुरी तरीके से झूल रही थी और फिर एक डिमोनिक शक्ति करीना को सोते में ही उठाकर पटक देती है, जिसके बाद करीना को सीधा होश आता है अगले दिन। अगले दिन भी करीना बहुत ज्यादा थकी हुई थी, पर आज करीना फाइनली बात करती है डॉक्टर अनवार से, जो रायन का पुराना डॉक्टर था। अनवार करीना को बताता है कि रायन का केस थोड़ा अजीब है क्योंकि अनवार की दवाइयां रायन पे काम तो कर रही थी, पर रायन को ओनीना बोबो वाली लोरी से डर लगता था और इसलिए अनवार करीना को सख्त मना करता है कि वो लोरी रायन को गाकर ना सुनाए, वरना अनवार करीना को फेल भी करवा सकता है। खैर, करीना को जानना था कि वो लोरी में ऐसा क्या खास है क्योंकि वो वैसे भी अपने एक्सपेरिमेंट में फेल हो रही थी और इसलिए उस रात को करीना रायन के सोने के बाद उसे वो लोरी गा के सुलाती है और सरप्राइजिंगली रायन उस रात चैड की नींद सोता है। करीना को लगता है कि वो सब कुछ उस लोरी का कमाल है और वो इस बारे में डॉक्यूमेंट भी करती है और करीना यकीन कर लेती है कि वो लोरी शायद उसके पेशेंट पे अब काम कर जाए। अब उस रात को करीना को आने लगते हैं प्रोफेसर के मैसेज और इसलिए करीना अपने फोन की बैटरी निकाल कर रख देती है। वही सीन जाता है बैम्स पे, जो असल में अपने घर से ही रायन पे नजर रख रहा था, पर उस रात बैम्स को रायन के कमरे में दिखती है डेमोनिक आत्मा जो रायन को ही घूर रही थी, जिससे बैब्स डर जाता है। बैब्स तुरंत कॉल लगाता है करीना को, पर ऑब्वियसली उसका फोन बंद जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ करीना सो गई थी कि तभी उसके पीछे लाला स्किपिंग करने लगती है और जब करीना उठकर पीछे देखती है तो लाला उसके बिस्तर पे ही लेटी हुई थी, जिससे करीना बुरी तरीके से डर जाती है, पर फिर लाला गायब हो जाती है और करीना को लगता है कि उसे फिर से आंखों का धोखा हुआ है। वो फिर से सो जाती है, पर एक बार फिर से पीछे आ जाती है लाला और सीन कट होकर जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे रायन सोकर उठता है और उसे अपने कमरे में मिलते हैं कुछ खिलौने। खिलौनों को देखकर रायन डर जाता है और वो सीधा जाता है करीना के पास, जो पूरी रात नहीं सोई थी, और रायन करीना से सिर्फ एक बात पूछता है कि क्या तुमने वो लोरी गाई थी। करीना को अब ये समझ नहीं आता कि रायन को कैसे पता चल गया कि करीना ने वो लोरी गाई थी, क्योंकि वो उस टाइम पे सो रहा था। खैर, करीना जब अपने फोन में बैटरी डालती है तो उसे मिलते हैं बैब्स के मैसेज। बैब करीना को फिर फोन में बताता है जो उसने देखा, पर करीना उस पे यकीन नहीं करती। करीना बैब्स को बताती है कि ओनीना बोबो वाली लोरी से फाइनली रायन ठीक हो रहा है, पर बैब्स उस लोरी के बारे में ऑलरेडी जानता था। बैब्स अब जाके इंटरनेट पे सर्च करता है लोरी के बारे में और उसे पता चलता है कि ओनीना बोबो लोरी एक अर्बन लेजेंड के साथ जुड़ी हुई है और वो था एक डीमन का लेजेंड। लेजेंड के हिसाब से
जिस भी बच्चे को ये लोरी गाकर सुनाई जाती है उसे दिखने लगता है एक डीमन। वो डीमन बच्चे के साथ खेलता है पर अगर वो डीमन नाराज हो गया तो वो सबको मार देता है। वही सीन वापस जाता है करीना पे जो रायट को आज फिर से ओनिना बोबो लोरी सुनाकर शांति से सुला देती है। पर घर में अब हम लोग देखते हैं उस डीमन को घूमता हुआ। करीना को आधी रात में कुछ आवाजें आती है जो रायट के कमरे से ही आ रही थी और जब वो नीचे जाने ही वाली थी तो रायट उसे मना करता है नीचे आने के लिए ये बोल के कि नीचे खतरा है। अगली सुबह हम लोग देखते हैं कि रायट का कमरा पूरी तरीके से बिखरा हुआ है और करीना को लगता है कि वो सब रायट ने किया। खैर करीना खुश थी क्योंकि रायट फाइनली कुछ सो एक्टिविटीज कर रहा था। आज का थेरेपी सेशन भी सक्सेसफुल जाता है और करीना रायट को वॉक पे भी ले जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि ओ नीना बोबो की ये लोरी रायट के दिमाग को ठीक कर रही है पर कैसे ये उसे समझ नहीं आता। अब आज रात को 14वें दिन की आखिरी रात थी पर अब जब करीना रायट के लिए लोरी गाती है तो रायट उसे मना करता है। रायट डर रहा था और जब करीना पूछती है कि क्या हुआ तो फाइनली रायट अपने पास्ट के बारे में बताता है। रायट बताता है कि जिस दिन से उसकी मम्मी ने ये लोरी गाना शुरू किया था उसी दिन से उसे एक डीमन दिखने लगा था। वो डीमन रायट के साथ खेलता था पर वो सिर्फ रायट को ताश के पत्तों से खिलवाता था। एक दिन रायट उस डीमन से बोर हो गया और उसने उस डीमन के साथ खेलना बंद कर दिया और इसी बात से उस डीमन को आ गया था गुस्सा और उसने उसी रात को रायट के घर वालों को मार डाला था। यहाँ पे रायट ये भी बताता है कि उस डीमन से बचने का एक रास्ता है और वो ये था कि अगर कोई इंसान अपनी सांस रोक लेगा तो वो डीमन उसे देख नहीं पाएगा और इसलिए रायट सांस रोकने की प्रैक्टिस करता था। ये कहानी सुन के करीना बोलती है कि कोई डीमन विमन नहीं है पर तभी वो डीमन करीना को दूर उठाकर पटक देता है। करीना बुरी तरीके से डर जाती है और फाइनली उसके सामने आ जाता है वो डीमन। वो डीमन करीना की तरफ बढ़ता है और रायट करीना के पास आकर उसे अपनी सांस रोकने के लिए बोलता है और जैसे ही वो दोनों अपनी सांस रोकते हैं डीमन को वो दोनों दिखना बंद हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बैम्स ये सब कुछ कैमरे पे देख लेता है और इसलिए वो करीना को बचाने के लिए निकल जाता है। करीना और रायट अब भागते हैं पर घर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे और वो डीमन अब उन दोनों का पीछा कर रहा था। काफी देर तक उन दोनों लोगों को डीमन से बच के भागना पड़ता है और उन्हें कई बार अपनी सांस रोककर अपनी जान बचानी पड़ती है। डीमन से बचने के बाद करीना रायट को एसी की शाफ्ट के अंदर छुपने के लिए बोलती है और वो खुद अकेले भागती है पर रायट भी शाफ्ट के अंदर नहीं जाता और वो करीना की मदद करने का फैसला करता है। वही करीना के सामने आ जाता है डीमन और उसे अपनी सांस फिर से रोकनी पड़ती है। वो डीमन करीना के सांस फूलने का इंतजार करता है पर करीना एंड में बच ही जाती है। डीमन से बच के करीना ऊपर भागती है पर फिर वो गिर जाती है और खड़े होकर फिर वो सोफे में बैठ के रोने लगती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तभी फिर से डीमन आ जाता है और करीना को फिर से सांस रोकनी पड़ती है। करीना इस बार सांस ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और सांस लेते ही डीमन उसे देख लेता है। डीमन फिर करीना पे पूरी तरीके से धारता है और करीना को ऊपर से उठाकर बालकनी के नीचे फेंक देता है। करीना नीचे गिरती है टेबल पे और तुरंत बेहोश हो जाती है और फिर वो डीमन करीना को मारने ही वाला था कि तभी वहां पे आ जाता है रायन। रायन डीमन को बोलता है उसके साथ चलने के लिए जिसके बाद रायन अपनी सांस रोककर चली जाता है ऊपर की तरफ। रायन अपने मुंह पे टेप बांध लेता है ताकि वो सांस न ले पाए और फिर वो डीमन की नजरों से बच के डीमन का फेवरेट ताश का घर बना देता है जिससे डीमन शांत हो जाता है पर फिर रायन सांस न आने की वजह से बेहोश हो जाता है। खैर रायन और करीना को एंड में टाइम पे आकर बचा लेता है बैम्स और फिर सीन ज्यादा है कुछ दिन आगे जहाँ पर रायन अपनी फैमिली की मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। पर वही दूसरी तरफ करीना अब पागल हो गई थी और वो बस ओ नीना बोबो वाली लोरी गाए जा रही थी। सीन कुछ महीने आगे जाता है जहाँ पे एक नई फैमिली रायट के घर को खरीद लेती है पर रायट के कमरे का दरवाजा खुलते ही ताश का वो घर गिर जाता है मतलब वो डीमन फिर से गुस्से में आ जाएगा और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन ओ नीना बोबो मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा।
मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो और मेरे से बात करना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।